Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the superclass Pisces. Now, if we discuss about the classification, यदि हम classification को discuss करें, तो हमने क्या देखा था कि जो सब phylum vertebrata था, उस सब phylum vertebrata को जो है basically दो division के अंदर divide किया गया था. दो डिवीजन कौन कौन से थे? दो डिवीजन थे हमारे, एक तो एग्ना था और दूसरा गनेथोस्टोमेटा. तो गनेथोस्टोमेटा जो है इसे दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है. पहला सुपर क्लास है सुपर क्लास पाइसेस और दूसरा सुपर क्लास है सुपर क्लास टेट्रापोडा. तो यह जो डिवीजन ऑफ सुपर क्लासेस है ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है. देखिए सुपर क्लास पाइसेस में जो लोकोमोशन देखने को मिलता है वो लोकोमोशन फिन्स के थ्रू देखने को मिलता है, जबकि सुपर क्लास टेट्रापोडा में जो लोकोमोशन देखने को मिलता है वो विद द हेल्प ऑफ लिम्स देखने को मिलता है. तो आप देख रहे हैं ना दोनों में जो क्लासिफिकेशन जो दोनों में डिफरेंस है वो किसको लेकर है? वो डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन. तो पाइसेस किस तरह के एनिमल्स हैं हम थोड़ा उसके रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं. पाइसेस एक्चुअली ट्रू जॉ वर्टिब्रेट हैं. जॉ क्योंकि इसमें के अंदर जॉ है, देखिए आपको यहाँ पे जॉ दिख रहा है ना, ये जॉ वर्टिब्रेट्स हैं और इसमें स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन और ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं. अभी कौन कौन से ऑर्गन देखने को मिलते हैं अभी हम आगे इसको डिस्कस करते हैं. और ये जो होते हैं पॉइक्लोथर्म्स टाइप के एनिमल होते हैं, मतलब कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल. पॉइक्लोथर्म का मतलब क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल. कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब ये नहीं कि एनिमल हमारे जो है वो ठंडे ब्लड वाले हैं, कोल्ड ब्लड वाले हैं. पॉइक्लोथर्मल का मतलब होता है कि इनकी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कोई डिवाइस देखने को नहीं मिलती है. अब जब कोई डिवाइस देखने को नहीं मिल रही तो फिर क्या होगा? इनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अनुसार एडजस्ट होगा. सपोज डेट किसी पॉन्ड के वाटर का टेम्परेचर मान लीजिए 28 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें जितनी भी फिश देखने को मिलेंगी उनका बॉडी टेम्परेचर भी आपको 28 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा. यदि किसी पॉन्ड का टेम्परेचर मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस है तो उस पॉन्ड की सभी फिश का जो है टेम्परेचर आपको 4 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा. ये होता है हमारा पॉइक्लोथर्मल. और हमारा एक टाइप और होता है एनिमल का जिसे हम बोलते हैं होमियोथर्मल. इसमें बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. जैसे इफ वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में हम क्या देखते हैं? ह्यूमन बीइंग में हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर सराउंडिंग के अनुसार एडजस्ट नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे ब्लड का टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता. या फिर टेम्परेचर मान लीजिए 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो हमारे ब्लड का टेम्परेचर भी 48 डिग्री पहुंच जाए, ऐसा देखने को नहीं मिलता है. मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अनुसार एडजस्ट नहीं हो रहा है, हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है. हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है. अब इसके ऊपर थोड़ा टेम्परेचर जाता है तो हम उसको फीवर बोलते हैं. इट बिकम क्लियर? तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसके हिसाब से हम कैसे हैं? होमियोथर्मल. जबकि हमारी फिश कैसी होती हैं? पॉइक्लोथर्मल टाइप की होती हैं. ठीक है, तो अब हम फिश के बेसिक कैरेक्टर्स को लेकर डिस्कस करें, उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. देखिए हमारी अर्थ पर कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जियोलॉजिकल टाइम पीरियड देखने को मिले. अलग अलग टाइम पीरियड को, अलग अलग टाइम सेगमेंट को हम एज के नाम से जानते हैं, इरा के नाम से जानते हैं. इसी तरह का एक टाइम था जिसे कि हम डेवोनियन पीरियड के नाम से जानते हैं. इस जमाने में हमारी अर्थ पर जितने भी वाटर सोर्सेस हुआ करते थे सब में फिश बहुत ज़्यादा डोमिनेट हुआ करती थी और इसीलिए डेवोनियन एज को गोल्डन एज ऑफ फिश के नाम से जाना जाता है. इट बिकम क्लियर? तो इस पर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्डन एज ऑफ फिश क्या है. तो गोल्डन एज ऑफ फिश मीन्स डेवोनियन पीरियड. ठीक है, तो डेवोनियन पीरियड गोल्डन एज ऑफ फिश माना जाता है. इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ फिशेस के बारे में.
फिशेज की जो स्टडी होती है इसके लिए अलग से एक बायोलॉजी की ब्रांच है, और इस ब्रांच को हम इक्थियोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें कि फिश को लेकर स्टडी की जाती है। अब इस सुपर क्लास पाइसेस के अंदर जितने भी मेंबर आते हैं ऑल आर ट्रू फिश, उन्हें हम ट्रू फिश बोलेंगे, और जो इसके अंदर नहीं आते हैं उन्हें हम फॉल्स फिश के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जेली फिश सेलेंटेट्स के एनिमल को बोला था, तो वो ट्रू फिश नहीं है क्योंकि वो इस सुपर क्लास के मेंबर नहीं है। उसी तरह से अर्थोपोड्स की बात करें तो अर्थोपोड में हमने सिल्वर फिश के बारे में पढ़ा था, जिसे हमने बुकवर्म ही बोला था क्योंकि वो पुस्तकों की बाइंडिंग में जनरली देखने को मिलने वाला एक इंसेक्ट है। स्टार फिश इस सुपर क्लास में तो नहीं आता, इसलिए वो ट्रू फिश नहीं है। इसी तरह से हम पेट्रोमाइजर और मैक्सिन को लेकर बात करें, वो इस सुपर क्लास में तो नहीं आते, वो साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं, तो वो भी फिश के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। इस सुपर क्लास में जितने भी मेंबर आते हैं वो सब ट्रू फिश के अंदर आते हैं। अब इस सुपर क्लास के मेंबर कहां देखने को मिलते हैं, नाउ वी डिस्कस अबाउट द हैबिटेट ऑफ पाइसेस। तो पाइसेस के मेंबर एक्वेटिक होते हैं, ये हमें फ्रेश वाटर सोर्सेस में देखने को मिलेंगे, ये हमें मरीन सोर्सेस में देखने को मिलेंगे, और ये हमें ब्रेकिश वाटर सोर्सेस में देखने को मिलेंगे। तो ब्रेकिश वाटर सोर्सेस ऐसा सोर्स जहाँ पर हमारे नदियाँ जो है सी से जाकर अटैच होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेश वाटर और सी वाटर एक दूसरे के साथ मिक्सअप होता रहता है, और इस तरह के वाटर को हम ब्रेकिश वाटर के नाम से जानते हैं, तो इसमें भी हमें फिश देखने को मिलती हैं। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द बॉडी ऑफ फिश। यदि हम फिश की बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी कैसी दिखाई देगी आपको, एक लॉन्ग बोट शेप बॉडी दिखाई देगी, स्ट्रीम लाइन बॉडी दिखाई देगी। स्ट्रीम लाइन बॉडी मतलब कि ऐसी बॉडी जिसपे कि एयर का फ्रिक्शन कम लगता हो, इस तरह का बॉडी डिजाइन। तो इस तरह की बॉडी डिजाइन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी बोलते हैं। अब इनको पानी के अंदर तैरना है, मान लीजिए आगे से बहुत ज़्यादा ही थिक होती तो वाटर का लगने वाला जो फ्रिक्शन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता, ऐसे में प्रॉपरली इफेक्टिवली जो है ये तैर नहीं पाते, स्विमिंग नहीं कर पाते। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिवीजन ऑफ बॉडी। फिश की जो बॉडी है इसको जनरली तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये वाला पोर्शन इसका हेड हो गया, रिमेनिंग पोर्शन इसका ट्रंक, और ये पीछे वाला जो पोर्शन है इसका, इसे हम बोलते हैं टैल। फिश में नेक वाला पोर्शन देखने को नहीं मिलता, इसमें नेक जो होता है वो अब्सेंट होता है। अब इनका जो स्किन होता है बेसिकली उसके ऊपर आपको स्केल देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पर स्लाइम ग्लैंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं स्किन के ऊपर, और यह एक प्रोटेक्शन का तरीका भी होती है कि प्रे एनिमल, मान लीजिए कोई प्रेडेटर मान लीजिए फिश को पकड़ता है तो फिश उसकी बॉडी में से स्लिप हो जाए, उससे स्लिप होकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसलिए जो है कुछ स्लिम ग्लैंड्स जो है इसकी स्किन पर देखने को मिलती हैं, और फिश की स्किन के ऊपर हमें ढेर सारे छोटे छोटे स्केल देखने को मिलते हैं, और ये स्केल जो होते हैं डर्मल स्केल होते हैं। याद रखिए हमारी स्किन में दो लेयर होते हैं, सबसे ऊपर का जो लेयर होता है इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और उसके नीचे जो लेयर होता है उसे हम डर्मिस के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो स्केल डेवलप होते हैं वो डर्मिस से डेवलप होते हैं, सभी एनिमल में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेप्टीलिया में जो स्केल डेवलप होते हैं वो एपिडर्मिस से बनते हैं, और फिश में जो स्केल है वो किसके थ्रू डेवलप हो रहे हैं, डर्मिस के थ्रू देखने को मिल रहे हैं। पर जरूरी नहीं है कि सभी फिश में आपको स्केल देखने को मिले, कुछ फिश जैसे कि कैट फिश या टारपेडो, इस तरह की फिश होती हैं जिनमें कि हमें स्केल देखने को नहीं मिलते हैं। अब आपने एक्वेरियम में ढेर सारी कलरफुल रंग बिरंगी फिश देखी होंगी, तो इनकी स्किन पे जो कलर होते हैं वो मेलानिन की वजह से नहीं होते, हमारी स्किन के जो कलर किसकी वजह से है, मेलानिन की वजह से। अब फिश की स्किन का जो ब्यूटीफुल कलर्स या फिर इसका ब्लैक कलर आप देखेंगे वो एक स्पेसिफिक टाइप का पिगमेंट जो कि इसकी डर्मिस में देखने को मिलता है, और इसे हम जो है इरिडियोसाइट्स के नाम से जानते हैं, इसकी वजह से ये देखने को मिलते हैं। इट बिकम क्लियर, ये समझ में आ गया आप सभी को। अब ये हमने देख लिया कि फिश जो है सभी वाटर सोर्सेस में देखने को मिलती हैं, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड ब्रेकिश वाटर। ठीक है, अब फिश की हम थोड़े से जनरली पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं ताकि हमें आगे जो कैरेक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। फिश की बॉडी स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया। अब फिश की बॉडी पर देखिए आप,
हमें जो है एक जो हमारी कुछ फिश होती हैं, फ्रेश वाटर फिश होती हैं, जो बोनी फिश होती हैं, उनके ऊपर हमें गिल के ऊपर एक कवरिंग देखने को मिलता है। देखिए कवरिंग दिख रहा है गिल के ऊपर का, इस कवरिंग को हम बोलते हैं गिल कवरिंग, या इसे हम ओपरकुलम के नाम से जानते हैं। ये सभी फिश में नहीं होता। जो मरीन फिश है, हमारी कार्टिलेजनस फिश है, उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। जबकि जो फिश बोनी फिश होती हैं, मतलब कि जिनका स्केलेटन बोन का बना होता है, उनमें आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब हम फिश के ऊपर के स्केल के रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फिश पे जो स्केल जो होते हैं वो डर्मिस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं स्केल? डर्मिस से बने होते हैं। अब उसके बाद हम इसके फिन के रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें कुछ इसमें वन टू पेयर हमें पेयर्ड फिन देखने को मिलते हैं। कौन से फिन देखने को मिलते हैं? पेयर्ड फिन देखने को मिलते हैं। पेयर्ड फिन कौन कौन से हैं? देखो पेक्टोरल फिन एक आपको इधर दिख रहा है, दूसरा उसके अपोजिट साइड में होगा। ये कौन सा फिन हो गया? पेक्टोरल फिन। दूसरा फिन ये देखिए, ये वाला कौन सा फिन है? पेल्विक फिन। ये भी पेयर्ड फिन है, एक फिन इधर है, एक फिन अपोजिट साइड डायरेक्शन में, आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। इसके अलावा कुछ अनपेयर्ड फिन है। कौन कौन से अनपेयर्ड फिन है जरा देखिए। ये डॉर्सल फिन है। ये वाला फिन कौन सा है? इसे हम एनल फिन के नाम से जानते हैं, ये इसे हम वेंट्रल फिन भी बोलते हैं। और ये कॉडल फिन है जो पूंछ पे प्रेजेंट होता है, और ये फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मरीन फिश में ये जो टेल होती है वो हेट्रोसर्कल होती है, मतलब कि आप देखेंगे कि इसका एक फिन तो इतना बहुत बड़ा होगा और दूसरा फिन बहुत छोटा होगा। इस तरह के फिन को हम जो है हेट्रोसर्कल फिन के नाम से जानते हैं। जरा देखिए आपको दिख रहा होगा ये हेट्रोसर्कल फिन। जबकि हमारी बोनी फिश में जो फिन होते हैं वो होमियोसर्कल फिन होते हैं, मतलब कि दोनों ही फिन जो है इक्वल साइज के देखने को मिलते हैं। इट बिकम क्लियर? ठीक है, तो ये जनरल कैरेक्टर समझ में आए। अच्छा एक यहाँ पर एक न्यूरल नर्व्स का बना हुआ स्ट्रक्चर बॉडी के लेटरल साइड में देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं लेटरल लाइन सिस्टम। किस नाम से जानते हैं इसको? हम लेटरल लाइन सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब हम फिश के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को लेकर डिस्कस करते हैं। फिश में जो भी स्विमिंग होता है वो टेल की हेल्प से होता है, और स्विमिंग करने के लिए इनमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन क्या होते हैं? फिन्स। तो ये फिन्स हैं फिश के, जिनके थ्रू ये स्विमिंग करते हैं। अब इसमें आपको जो है पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये फिश को बैलेंस करने में, बॉडी को बैलेंस करने में और स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो स्विमिंग होता है वो टेल फिन की वजह से होता है, और बॉडी को जो बैलेंसिंग किया जाता है वो पेयर्ड और अनपेयर्ड जो फिन दिख रहे हैं आपको फिश की बॉडी में, ये वाले फिन पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन, इससे बॉडी को बैलेंस किया जाता है। अब फिश की बॉडी में आपको एक लेटरल लाइन सिस्टम देखने को मिलेगा। ये सेंसरी ऑर्गन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, और ये सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन फिश को प्रोवाइड करता है, जैसे वाटर करंट की इन्फॉर्मेशन देता है। फिश जहाँ पर तैर रही है उसके आसपास कोई हलचल हो रही है या नहीं हो रही, कोई डिस्टरबेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन फिश को कौन देता है? ये लेटर लाइन सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब फिश की बॉडी के ऊपर हम क्या देखते हैं कि डर्मिस के बने हुए स्केल का कवरिंग होता है, ये इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। इवन फिश के जो तिथवी होते हैं वो इन स्केल का मॉडिफिकेशन होते हैं। बोन के बने हुए तिथ फिश में देखने को नहीं मिलते। फिश में जो तिथ होंगे वो एक्चुअली इन स्केल के ही बने हुए मॉडिफिकेशन होंगे, और फिश के सभी तिथ यूनिफॉर्म होते हैं। इस तरह के तिथ को हम होमोडोंट के नाम से जानते हैं, और हम लोगों के जो तिथ हैं वो हेट्रोडेंट है, क्योंकि हमारे माउथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तिथ हैं, जैसे कि इंसाइजर है सामने की साइड में, कट करने के लिए कैनाइन है, उसके बाद खाने को चबाने के लिए, मेस्टिकेट करने के लिए प्री मोलार और मोलार तीत हैं। फिश में इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट तीत देखने को नहीं मिलेंगे। ऑल तीत ऑफ द फिश आर यूनिफॉर्म। ये आपको जस्ट कॉम्ब शेप दिखाई देंगे, और ये चबाते नहीं है, ये केवल प्रे को पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अंदर की साइड में से मुड़े हुए रहते हैं, जब भी वो अटैक करने के लिए होती है तो ऐसे तीत ओपन हो जाते हैं उसके, ठीक है। फिश में आपको रेस्पिरेशन के लिए गिल्स देखने को मिलेंगे। फिश माउथ से वाटर अंदर जाता है और इन गिल्स से वाटर बाहर आता है, और यहाँ पर गिल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलता है। यदि गिल्स से रेस्पिरेशन होता है, इस तरह के रेस्पिरेशन को हम ब्रेंकियल
रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, तो बी आर ए एन सी एच आई ए एल ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। किसको? यदि गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसको। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ फिश। हम फिश के सर्कुलेशन को लेकर डिस्कस करते हैं। तो फिश में हमें क्लोज टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ओपन तो नहीं होता है। क्लोज टाइप सर्कुलेशन मिलना ये सभी कॉर्डेट का कैरेक्टर है, सॉरी सभी वर्टिब्रेट का कैरेक्टर है। और दूसरा, यहाँ पे टू चैम्बर्ड आपको हार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें से एक आर्ट्रियम होगा, दूसरा वेंट्रिकल होगा। और यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी से ब्लड कहाँ पे आया? हार्ट में आया। हार्ट से ब्लड लंग्स में गया और लंग्स से फिर बॉडी में चला गया। मतलब बेचारे हार्ट को कभी भी जो है प्योर ब्लड तो देखने को मिल ही नहीं रहा। इसको ब्लड कहाँ से मिल रहा है? वेंस से ब्लड मिल रहा है ना। तो इस तरह के हार्ट को हम वेनस हार्ट के नाम से जानते हैं। तो फिश में जो हार्ट प्रेजेंट होता है ये कौन सा हार्ट है? वेनस हार्ट। इसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद फिश जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड या पोइक्लोथर्मस टाइप के एनिमल होते हैं। इसको हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर डिस्कस कर लिया था। अब फिश ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ये कार्निवोरस भी हो सकती हैं और हर्बीवोरस भी हो सकती हैं और ओमनीवोरस भी हो सकती हैं, पर मोस्टली हमें कार्निवोरस फिश देखने को मिलती हैं। अब फिश हमें विवीपेरस देखने को मिल सकती हैं, ओवीपेरस देखने को मिल सकती हैं और ओवीविवीपेरस देखने को मिल सकते हैं। तो एक्चुअली ओवीपेरस का मतलब होता है कि जो एनिमल अंडे देने का काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? ओवीपेरस। और जो एनिमल बच्चे देते हैं उन्हें हम बोलते हैं विवीपेरस। कुछ एनिमल बड़े अजीब टाइप के होते हैं, अंडे देते हैं पर अंडे देने के बाद उनको बॉडी के स्पेसिफिक साइट में रख लेते हैं, वहाँ पर अंडों का डेवलपमेंट होता है, फिर बाद में बच्चों को बर्थ करेंगे। इस तरह के एनिमल को हम ओवी विवीपेरस एनिमल के नाम से जानते हैं। अब फिश के अंदर हमें जो सेक्स है वो सेपरेट देखने को मिलता है, मतलब मेल अलग दिखाई देते हैं, फीमेल आपको अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि इफ वी डिस्कस अबाउट द कार्टिलेजिनस फिश, उनमें आपको फर्टिलाइजेशन आपको इंटरनल देखने को मिलेगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द बोनी फिश, तो उनमें आपको फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के फिश में दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिल सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अब्सेंट दिखाई देते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होते हैं? जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो कुछ एम्ब्रियो कुछ हमारे जो है फीटस के बाहर के कुछ मेम्ब्रेन मॉडिफाइड होकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इस तरह के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक बार फिर सुन लीजिए कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो के अंदर का ही कुछ टिश्यू मॉडिफाइड होकर एम्ब्रियो की फूड सप्लाई के लिए और एम्ब्रियो की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी में हेल्प करने के लिए मॉडिफाइड होकर कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। इसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हमें पाइसेस में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो पाइसेस के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम फिश का काफी ज्यादा डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है और ये कंप्लीट होता है। यहां पर आपको माउथ देखने को मिलेगा, माउथ टर्मिनल देखने को मिल सकता है बोनी फिश में, और कार्टिलेजिनस फिश में माउथ जो होता है वो थोड़ा सा वेंट्रल साइड में होता है, यहाँ पे माउथ देखने को मिलेगा कार्टिलेजिनस फिश में, जबकि बोनी फिश में आपको टर्मिनल माउथ देखने को मिलेगा। इसमें एनस की जगह क्लोएका होता है, मतलब जहाँ से वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को भी पास आउट करते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट को भी उसी जगह से पास आउट करते हैं। तो इस तरह के एनस को जो कि मोर देन वन वर्क को परफॉर्म कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्लोएका के नाम से जानते हैं। तो फिश के अंदर जो है एंड ऑफ द एलिमेंटिक कैनाल जो होगा उसे हम क्लोएका के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें फिश के क्लासिफिकेशन को लेके, तो मोटे तौर पर फिश को जनरली दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहला ग्रुप कौन सा है?
कॉन्ड्रिकिथीस, इसे हम कार्टिलेजनस फिश के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है ऑस्टिकिथीस, इसे हम बोनी फिश के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने फिश को दो क्लासेस में डिवाइड किया, सुपर क्लासेस पाइसेस को। बट एक क्लास और भी एग्जिस्टेंस में था, आजकल उसके सभी मेंबर खत्म हो गए, इसे हम प्लेकोडर्मी के नाम से जानते हैं। तो प्लेकोडर्मी के मेंबर अभी एक भी एग्जिस्टेंस में नहीं है, ऑल मेंबर ऑफ प्लेकोडर्मी बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि सुपर क्लास स्पाइसेस को हमने तीन क्लास में डिवाइड किया, ऐसा मेंशन किया है कुछ कुछ बुक्स में। तो उन्होंने क्या किया है कि वो एक्सटिंक्ट क्लास को इंक्लूड करके तीन क्लासेस में डिवाइड किया है, बट प्रेजेंट जो फिश हैं उनको हम बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक तो कॉन्डिकिथीस और दूसरा ऑस्टिकिथीस। इट बिकम क्लियर? अब प्लेकोडर्मी को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस क्लास के सभी मेंबर आज की डेट में पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। इसमें जो एक्सोस्केलेटन है वो स्केल के फॉर्म में देखने को नहीं मिलता था, पूरा का पूरा एक शील्ड की तरह, पूरा का पूरा एक हेलमेट की तरह एंडो आपको यहाँ पर जो है एक्सोस्केलेटन देखने को मिला। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो है आपको एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में आपको ये दिख रहा है, इसके स्केल्स सब आपस में इंटरग्रेट हो गए और सब ने मिलकर एक शील्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, इसका जो एंडोस्केलेटन है वो बॉन्स का बना हुआ था, ये डेवोनियन पीरियड के लास्ट टाइम तक जिंदा रहे, उसके बाद ये खत्म हो गए। इनका टेल जो है या इनका जो कॉडल फिन वो हेट्रो सर्कल टाइप का था। हेट्रो सर्कल थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया आपको कि ऐसा टेल जिसका एक पोर्शन बहुत लंबा हो और दूसरा पोर्शन बहुत छोटा हो, इस तरह के जो टेल को हम क्या बोलते हैं, हेट्रो सर्कल कॉडल फिन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के इनमें टेल हुआ करता था और इसके अंदर आपको क्लाइमेटिकस करके एक फिश है जो कि फॉसिल फिश है वो आपको देखने को मिलेगी, उसी का डायग्राम यहाँ सामने दिया हुआ है आपको। और इसके अलावा आपको यहाँ पे बोथ्रियो लेपिस करके एक फिश जो कि फॉसिल फिश है वो इसमें आती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में सुपर क्लास स्पाइसेस के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो डिस्कस कर लिए। आई होप डेट कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।